हिमाचल सोशल डिफेंस संयोजक अभिषेक पाधा व समाज सेवी नवरत्न गुप्ता ने बीडीसी सदस्य व आशा वर्कर युवक मंडल व पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से सुरक्षा के लिए किट प्रदान की। अभिषेक पाधा ने बताया कि कोरोना से सुरक्षा की ये किट उपमंडल की हर पंचायत में पहुंचाने की मुहिम चलाई गई है ताकि सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने गाँव में लोगों को जागरूक कर सकें। हिमाचल सोशल डिफेंस संयोजक अभिषेक पाधा और समाज सेवी नवरत्न गुप्ता ने बीडीसी सदस्य व आशा वर्कर्स युवक मंडल व पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से सुरक्षा के लिए किटें प्रदान की, जिसमें पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, स्टीमर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर आदि शामिल हैं। संयोजक अभिषेक पाधा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के खतरे को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों, आशा वर्कर्स, युवक मंडल आदि को कोरोना से बचाव की किटें दी जा रही हैं ताकि गांव में सभी सुरक्षित रहें और संक्रमण को बढ़ने से बचाया जा सके। इसके अलावा सभी अपना ध्यान रखें और कोरोना किट का इस्तेमाल करें। कोरोना से सुरक्षा की ये किट उपमंडल की हर पंचायत में पहुंचाने की मुहिम चलाई गई है ताकि सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने गांवों में लोगों को जागरूक कर सकें और अपने क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति में इस सुरक्षा किट का प्रयोग कर ग्रामीणों को बचाया जा सके, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने गाँव में भी काफी संक्रमण फैलाया है और गाँव में सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल्द ही कोरोना महामारी का अंत देश प्रदेश व गांव में होगा। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगाने की भी अपील की। हम सब लोग त्रस्त हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कुछ भाइयों के सहयोग से कि हम समाज के किसी व्यक्ति का भला कर पाए। उसके निमित्त एक प्रयास किया है कि क्षेत्र के पंचायत के प्रतिनिधियों तक कुछ कोरोना की राहत सामग्री, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, मास्क, स्टीमर, ऐसी राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और तो और हमने क्षेत्र के लोगों से ये निवेदन भी किया है, अगर किसी को 24 घंटे कभी भी ऑक्सीजन की मशीन की उपलब्धता चाहिए तो वो भी हम अपनी व्यवस्था उसकी करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ मशीनें हमने ऑक्सीजन की दिक्कत वाले मरीजों की सुविधा के लिए पूरे क्षेत्र में लगा रखी हैं। प्रयास करेंगे कि हम हर एक व्यक्ति की सुविधा को सुविधा देने का प्रयास करें और उसमें सफलता भी रहे, आप सबका सहयोग भी उसमें आस रहेगी। बाकी शेष किसी भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत आती है, हिमाचल सोशल डिफेंस इस संस्था के माध्यम से हम सबका प्रयास करेंगे कि सब सुखी रहें, आरोग्य रहें और किसी को कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत हो तो कृपया हमें संपर्क भी करें, हम हर वक्त तैयार हैं, आपका सहयोग साथ में है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।